हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रसोई में। मैं मार्टिना होटवानी आपके साथ सारी ही इजी होम कुक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो आपको देखनी है और अपने घर पर जरूर बनानी है, ट्राई करनी है। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू सो मच। मैं जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ उस रेसिपी का नाम है एप्पल सालसा टोस्ट। एप्पल सालसा टोस्ट को हम बहुत ही इंस्टेंटली विद इन 5 मिनट्स बना सकते हैं। आप ब्रेड के साथ इसको कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी रेसिपीज़ मैं शेयर करूँगी वो आप देख सकें। और प्रेस कर लें बेल आइकन को, ताकि आपको सारी रेसिपी के नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी रसोई में जो स्पेशल रेसिपी बनने जा रही है उसमें हम यूज़ कर रहे हैं एप्पल, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारी ब्रेड। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एप्पल सालसा विद ब्रेड। सो आप ब्रेड जो है ब्राउन ब्रेड यूज़ करना चाहें या वाइट ब्रेड यूज़ करना चाहें, मल्टीग्रेन यूज़ करना चाहें, जो भी यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि एप्पल सालसा जो होता है वो टोस्ट के ऊपर कैसे बनाते हैं और उसको किस तरह से हमें बनाना है। तो सबसे पहले हमें ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइसेस लिए हैं, जिसको हमें क्या करना है सेंटर से कट करना है, और इसके 4 पीसेस इस तरह से पूरे 4 पीसेस कट करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमें क्या करना है, जो ब्रेड स्लाइस सालसा बनाना है एप्पल का, तो एप्पल को सबसे पहले हमने घिस लिया है धो के। फ्रेश एप्पल आप लेंगे, एक ग्रीन चाहे ग्रीन ले सकते हैं, रेड नॉर्मल एप्पल चाहे नॉर्मल ले सकते हैं। इसमें हमने 1/2 ककड़ी, 1 प्याज, 1 टमाटर और साथ में आधी हरी मिर्च, मतलब एक भी नहीं आधी हरी मिर्च ली है, क्योंकि और इसके साथ साथ हमने इसके अंदर ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स लिए हैं। नमक हमने इसके अंदर थोड़ा सा जो हमारा एप्पल है उसके अंदर डाला है। तो आज आपको मैं जो एप्पल सालसा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो अगर आपको पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, रसोई में को बिल्कुल भी मत भूलें। मैं मार्टिना मोटवानी आपके साथ सारी ही इजी इंस्टेंट रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। अब हमें क्या करना है, बटर जो है उसकी ब्रेड के ऊपर लगाना है और इसको तवे पर हमें अच्छी तरह से कड़क कर सेकना है। मैं अमूल का ही बटर यूज़ करती हूँ, और अगर आप चाहें तो आप ऑलिव ऑयल में भी इसको बना सकते हैं। दोनों ही मतलब सेम वर्क करते हैं, तो ऑलिव ऑयल या बटर दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहला काम हमें करना है जो बटर है उसका हमें 1 क्यूब या 1 स्लाइस इतना आपको इसके ऊपर डालना है, और इसको तवे पर गर्म होने देना है। जैसे ये गर्म हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है, ब्रेड के स्लाइसेस रखने हैं और इसको 5 मिनट तक अच्छी तरह से कड़क करना है, सेकना है। मैं चाहूँ तो इसको माइक्रोवेव में भी बना सकती हूँ, इसको कड़क कर सकती हूँ, बेक कर सकती हूँ। और आपके घर पे अगर माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसको तवे पर भी बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास माइक्रोवेव नहीं है। जैसे मैंने कुकीज़ की रेसिपी भी शेयर की तो मुझे किसी ने कहा, तो वो भी एक चीज़ है कि हाँ, कई बार लोग अगर चीज़ें नहीं होती तो नहीं बना पाते हैं। इस तरह से सारे ही स्लाइसेस को हमें रखना है और अच्छी तरह से एक ही बार में ये सारी चीज़ हो जाएगी, और ये आप स्नैक्स में, इवनिंग में, ब्रेकफास्ट में, जब चाहे आपका मन करे तब आप इसको बना सकते हैं। अब इसको हमें चेंज करना है, पर हमें इसको हटाना नहीं है गैस से, इसको सेकना अच्छे से है ताकि एकदम ये कड़क हो जाए। इस तरह से फ्लेम को स्लो रखें ताकि ब्रेड जले ना बिल्कुल भी, और इसको थोड़ा सा प्रेस करते रहें ताकि ये कड़क और क्रंची हो जाए। तब करेंगे तो अच्छी तरह से ये क्रंची क्रंची हो जाएगा। इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से सारे ही स्लाइसेस को हमें क्या करना है, अच्छी तरह से सेक लेना है, टोस्ट कर लेना है। इस तरह से सारे ही स्लाइसेस जब रोस्ट हो जाएंगे तो हमने गैस को ऑफ कर देना है। सारे ही स्लाइस जब अच्छी तरह रोस्ट हो चुके हैं, एकदम क्रंची क्रंची जैसे इस टाइप से हो चुके हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें इन सारी ही चीज़ों को क्या करना है, मिक्स करना है। सबसे पहले हमें ऑनियन लेना है, इसके अंदर हमें एप्पल लेना है साथ में, और टमाटो लेना है, और इन्हें हमें
अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में हमें इसके अंदर हमें 1 टीस्पून जितना अपना ऑरिगेनो और रेड चिली फ्लेक्स डालना है। ये इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही इजीली मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर करी, और आपको ये रेसिपी आपको ये एप्पल साल्सा की रेसिपी अगर पसंद आई हो तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, और अपने घर पर इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करें। एप्पल के साथ ये बहुत ही यम्मी लगता है, और इसमें बटर है, ब्राउन ब्रेड है, और सारे ही इंग्रेडिएंट एकदम वेज और हेल्दी हैं, और ये वीगन रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा कर रखें ताकि नए वीडियोस जैसे ही आएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी इंक्वायरीज हो तो rasoi.me हमारी वेबसाइट है, उस पर भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई रेसिपी सबमिट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और वीडियोज़ हैं, और साथ ही साथ अगर आप कोई भी हमारे स्पेशल रेसिपी रिक्वेस्ट करना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।